हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज हम लोग इन्फेरेंस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, आई नो लास्ट वीक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इतने रेगुलर क्लासेस नहीं थे। इनफैक्ट किसी भी टॉपिक के रेगुलर मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं किए थे। सो थोड़ा सा कुछ लाइक यू नो आउट ऑफ टाउन चल रहा था काम, एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट रियली मैनेज एवरीथिंग। बट यस, फ्रॉम टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी रेगुलरली डेली सेशंस, जितने भी कैट के प्रॉपर हैं, टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लाइक यू नो सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं इन्फरेंस क्वेश्चन। सी, इन्फरेंस क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी एक सेशन डाला है, वो इन जनरल था, लाइक इन्फरेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे सीखा जाए, राइट? बट आज के क्लास में हम इन्फरेंस को थोड़ा सा और डिटेल में सीखने वाले हैं। एज इन एग्जाम में आप इन्फरेंस के भी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिक इन्फरेंस एंड जनरल इन्फरेंस। स्पेसिफिक इन्फरेंस मींस स्टूडेंट्स, देखो स्पेसिफिक इन्फरेंस मींस इसके लिए आपको पैराग्राफ में एक या दो लाइन पढ़नी है, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट रियली वेल एंड देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। वेयर एज फॉर जनरल इन्फरेंस क्वेश्चन यू हैव टू लिटरली अंडरस्टैंड द पैसेज, राइट? नाउ इन्फरेंस क्वेश्चन का बहुत खौफ, बहुत डर है, राइट, अमंग स्टूडेंट्स। टीचर्स भी जब भी इन्फरेंस क्वेश्चन पढ़ाते हैं बोलते हैं अरे तो वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हाँ सब सही हो रहा है बट इन्फरेंस ही गलत हो रहा है। सो आई विल नॉट डिनाई, यस दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑपोजिट, बट यस द वे वी आर गोइंग टू अप्रोच इन्फरेंस क्वेश्चन टूडेज सेशन डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर लाइफ ईजियर, स्पेशली वेन यू आर सॉल्विंग इन्फरेंस क्वेश्चन ऑन योर ओन। जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे कैसे आपको कोई क्वेश्चन समझना है, इन्फरेंस का कैसे अप्रोच करना, और फिर उसके बाद ऑफकोर्स ये आपके आंसर सही हैं या गलत हैं, वो अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, पैसेज भी आपको कितना अच्छा समझ है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट? सिर्फ आपने इन्फरेंस समझ लिया इससे आपके सारे इन्फरेंस सही आएंगे जरूरी नहीं है, पैसेज पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कितनी स्ट्रांग है, डेली रीडिंग हैबिट कैसी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे है, राइट? बट अगर आपको पैसेज समझ आ गया है 50% भी, तो आपके इन्फरेंस क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, राइट? कैसे गलत नहीं होंगे ये आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन विद इन्फरेंस क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू डू टू टाइप ऑफ इन्फरेंस क्वेश्चन। फर्स्ट इज स्पेसिफिक इन्फरेंस। स्पेसिफिक मतलब इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिटेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर लाइन और अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट? एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर पैराग्राफ से लिखा तो आपको ज्यादा रीड नहीं करना होता है, उन क्वेश्चंस में लिखा होता है लाइन 21 टू 22 में ऑथर इंप्लाइज व्हाट, यू नो इस तरह से बहुत ही क्लियरली लिखा होता है। बट जस्ट बिकॉज मुझे दो ही लाइन पढ़नी है डजंट मेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ईजियर। स्टिल जब भी आपको इन्फरेंस वर्ड दिखेगा या इन्फरेंस के लिए कई बार लिखा होता है द ऑथर सजेस्ट दैट और द पैराग्राफ सजेस्ट दैट, तो इन्फरेंस एंड सजेस्ट इज सेम थिंग। सो वेन एवर यू सी दीज वर्ड्स यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड द लोकेशन। जो भी आपको लोकेशन पैराग्राफ की गिवन है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। बिकॉज इवन दो एक लोकेशन गिवन है बट उस लोकेशन को समझने के लिए आपको मे बी लाइन 4 to 6 भी समझना जरूरी, तभी आप ये लाइन समझ पाओगे। ऐसा भी कई बार होता है कि यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू डिफरेंट लोकेशंस टू आंसर इवन स्पेसिफिक इन्फरेंस क्वेश्चंस। सो मेक श्योर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लाइक यू नो एनी एमबीए एग्जाम्स यू आर टेकिंग, बीट कैट, जीमैट, जैट, व्हिच एवर एग्जाम, when you solve inference questions which are your majority of the questions you should read the passage first. A lot of students ask me, ma'am agar specific ki inference hai ek do line hi read karni hai to question se start karte hain, nahi, even for these you might need understanding of two different locations, so please spend 2 minutes first in reading the passage, right? The first step is always to read the passage and understand at least half of the details, understand the main topic ki pura passage kis bare mein hai, theek hai? So read the passage for like 2 minutes, okay. Now किस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक इन्फरेंस के, एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द पैसेज इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई मतलब इन्फरेंस, द स्कॉलर्स मेंशन लाइन 8, तो आपको लोकेशन गिवन मतलब गिवन है बट ऑथर द पैसेज वुड अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है आप ही समझ लो, तो इसके हिसाब से ऑथर विल अग्री विथ वॉट एल्स, और उस तरह की सिमिलर कोई और इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो वहां लिखा है। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि आंसर में वही लिखा हो। या फिर द ऑथर ऑफ द पैसेज साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज एविडेंस चैलेंजिंग द आर्ग्यूमेंट्स रेफर टू इन लाइन, तो आपको पहले आर्ग्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और फिर ऑथर उसके बारे में क्या बोल रहा है। ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ क्या लिखा है 14-15 लाइन में, ऑथर इसके बारे में क्या एविडेंस दे रहा है, कौन से एविडेंस को चैलेंज कर रहा है, आपको वो फाइंड आउट करते। पहले तो यू अंडरस्टैंड लाइन 14-15, देन हाउ दीज लाइन आर चैलेंज, दिस इन्फॉर्मेशन इज चैलेंज्ड बाय ऑथर, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड आंसर द क्वेश्चन। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन या इन्फरेंस क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जाते हैं। जो आपको लोकेशन दी है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, जो उस लोकेशन में लिखा है दैट्स नॉट एग्जैक्टली योर आंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस,
राइट, उस लोकेशन को फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा. सो इन्फरेंस क्वेश्चन फॉर दिस रीजन इज अंडरस्टूड और कंसिडर्ड डिफिकल्ट. हावेवर अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ढंग से तो फिर आंसर फाइंड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, ये तो हो गए स्पेसिफिक इन्फरेंस क्वेश्चन. और जनरल इन्फरेंस क्वेश्चन आर फ्रॉम द इंटायर पैसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेबली इफ पॉसिबल फॉर यू यू डू दीज क्वेश्चन एट द एंड. व्हेन आई से एट द एंड व्हाट आई मीन इज for example, this is your passage and there are four questions, right? There are four questions. First question is quite a direct question, like according to line 1, 2, 3. So this you can do right away. Second is of course a specific inference question, जिसके लिए अगेन आपको दो तीन लाइन रीड करनी है, बट यू कैन आंसर द क्वेश्चन. ये भी आप अभी कर लो. फिर तीसरा है जनरल इन्फरेंस क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल कि 1830 के केसेस के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ 6-8 लाइन का, 8 लाइंस का पैराग्राफ, मैं कहाँ पढ़ूँ, फर्स्ट टू लाइंस, लास्ट टू लाइंस, आई डोंट नो, इजंट इट. या ओवरऑल समरी मुझे पूछी गई है, इस पैसेज के बाद अगर मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ होगा तो किस बारे में होगा, राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी ऑन वॉट टॉपिक, उसके लिए मुझे लास्ट पैराग्राफ ठीक से समझना पड़ेगा. सो इस तरह के जो जनरल इन्फरेंस क्वेश्चन हो गए, फॉर एग्जाम्पल, या प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और दैट यू नीड टू डू लेटर. अगर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, ये 2 भी है, तो भी आप उसको एज अ 3-4 ही करोगे. पहले आप हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जिसके लिए आपको 1 से 2 लाइन रीड करनी है, यू विल सॉल्व दोज क्वेश्चन ओनली, राइट. दैट वे आप पैसेज को एक बार तो पढ़ोगे, विद सॉल्विंग 2 क्वेश्चन अगेन यू विल गो बैक टू द पैसेज, एंड देन विद सच क्वेश्चन, जनरल इन्फरेंस या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द पैसेज, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर. All right, now let's get started. Right, let's solve passages with or passage with specific inference. Specific मतलब जहाँ पे हमें location तो given है, but then it can still be difficult because the question asked in a very roundabout manner. The location we are reading is not really that direct. मतलब उस बारे में, जैसे 1830s करके कुछ मुझे location गिर, but 1830s 3 जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं कहाँ पे read करूँ? You know that can be confusing. So let us begin how to read the passage, how to understand the question. That is what will be the today's agenda or today's focus. Yes, so we are going to learn a new concept. I hope this will help you in your self-practice. If it does, if it helps, please let me know in the comment. It definitely encourages, and I will come with better concepts, better explanation, better content. Yes, all right, so let's get started with passage 1. Students, as you can see, there are 3 paragraphs. The passage can look slightly shorter than usual length of CAT, right? We do have 4 to 5 paragraphs, but if you see the language, it's not that easy as well, right? Someone who is practicing, who has been practicing a lot, may find this medium, or someone who is just starting or not very good with reading comprehension will find this difficult. Now, so let us try to understand. Also, since currently all I'm uploading, like all the sessions I'm uploading are recorded sessions, students, there's no one in front of me currently, right? So I may, the pauses I'll take like while like explaining this passage or while solving questions can be shorter than required, right? Had it been a live class, I would have given 5 minutes, 3 to 5 minutes to read the passage, 2 minutes to solve every question like that. So what you can do is, if you think you need your time to read the passage first before listening to my explanation, or you want to solve the question first before listening to my answer or explanation to that, you can just pause for a while or mute it for the video for a while, read the passage, solve the questions, and then whenever you're getting anything wrong, you can listen to the explanation or maybe listen to the summary, right, if majority of the questions are incorrect. So for this passage as well, if you want to pause right now for 2 minutes and then listen to the explanation which I'm about to give, that's okay. Or you can, or vice versa, you can listen to the explanation first, then pause and read the passage. So you'll be able to relate more, you'll understand in one go itself. Okay, now we will start. Yes, yes, all right. Because the framers of the United States Constitution believe that protecting property rights, see, when we say property rights, which property rights are we talking about? We are not talking about the land. I have this land, mere paas land hai, ye ghar hai, house hai, ye mere property. We are not talking about those property rights here. Why I'm explaining in advance? Because we have read the passage, right, already. Like I'm assuming some people have read first few lines. So relating to inventions would encourage the, so see, property rights relating to invention, as in we are talking about here intellectual property rights,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब मैंने कुछ चीज इन्वेंट की, कुछ नया नया मेरा आइडिया है, उसके ऊपर आई विल हैव माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. नो बडी कैन कॉपी दैट आइडिया, नो बडी कैन यूज दैट आइडिया राइट विदाउट माई कंसेंट. सो वुड एनकरेज द न्यू नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एज इन अगर पेटेंट राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है लोगों के पास कि मैंने एक आइडिया या मेरा एक इन्वेंशन है, तो उससे क्या हुआ, कोई दूसरा कॉपी कर रहा है उसको यूज कर, दैट पर्सन विल हैव टू पे मी, तो उस हिसाब से मेरा मेरी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ सही रहेगा. तो इसलिए जब ये इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स का रूल आया, तो उसका क्या गोल था, क्यों रखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए राइट, दिस वॉज द गोल फाइन. तो उसने उन्होंने क्या किया, फ्रेमर्स ने, दे गेव कांग्रेस द नेशनल लेजिस्लेचर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू ग्रांट पेटेंट्स फॉर द इन्वेंशन. कोई भी इन्वेंट करे, कोई चीज नई चीज है, तो आप उसको पेटेंट दो. पेटेंट मतलब नथिंग, अ सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपने जो भी चीज न्यू, कोई आइडिया, कोई इन्वेंशन किया, वो चीज उसका डिस्क्रिप्शन का, तो ये इस पर्सन का है, लीगली अब आपका हो गया. अब कोई भी दूसरा पर्सन यूज करेगा तो आप लाइक यू नो, या तो अलाउ ही मत करो, या फिर दैट पर्सन हैज टू पे यू फॉर यूजिंग योर आइडिया लाइक दैट. ओके, द रिजल्टिंग पेटेंट सिस्टम हैज सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर दोज इन अदर नेशंस. तो फिर दूसरे नेशंस को भी सिस्टम सही लगा कि हाँ यार कुछ नया आता है तो हमको भी करना चाहिए उसको पेटेंट, सो दैट लाइक वो कोई दूसरे कंट्री का कोई पर्सन उसको आइडिया को कॉपी करे, दोज पीपल विल हैव टू पे अस लाइक दैट. सो बाकी लोगों को भी सिस्टम सही लगा, इट सर्व्ड एज अ मॉडल. ओके फाइन. सो फर्स्ट थ्री लाइन्स वे आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम था वो था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ राइट. ये मुझे फर्स्ट थ्री लाइन से समझ आया. नाउ थर्ड लाइन से एक न्यू स्टोरी आती है राइट. ठीक है, ये रूल तो अच्छा है राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, लोगों के इन्वेंशन भी प्रोटेक्ट होंगे, बट हुआ क्या, स्कॉलर्स हैव क्वेश्चन्ड वेदर द अमेरिकन सिस्टम हेल्प्ड अचीव द फ्रेमर्स, पर क्या वो गोल अचीव हुआ राइट. क्यों क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, दे क्वेश्चन व्हाई दे आर क्वेश्चनिंग दिस, बिकॉज नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट फ्यू लाइन, बिकॉज वो गोल एक्चुअली अचीव नहीं हुआ. दीज स्कॉलर्स हैव Attended that from 1794 to roughly 1830, American inventors were unable to enforce property rights because judges were anti-patent and routinely invalidated patents for arbitrary reasons. Because ये rule तो आया कि patent दो, पर उस time पे अराउंड 1794 से 1830 तक जो जजेस थे, देवर मतलब उनको कोई पेटेंट की वैल्यू होनी चाहिए, किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए, इस तरह का कोई इतना वो था नहीं, इंटरेस्ट था नहीं, और वो कोई भी पेटेंट के जो भी केसेस आते हैं उसको इनवैलिड किए, हाँ ये गलत है गलत है, कोई भी रैंडम रीजन दे के मतलब वो रिजेक्ट कर देते थे. सो दिस अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन, मतलब किस तरह के रीजन, सो बोले कि दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन पार्टली ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्ट डिसीजन इन केसेज वे पेटेंट होल्डर्स ब्रॉट सूट अलीजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट राइट्स. एज इन कुछ भी अगर केस आ रहा है राइट, पेटेंट होल्डर्स, पेटेंट इज एज इन मैंने कुछ इन्वेंशन किया, मेरे पास उस चीज का पेटेंट है, और फिर मैंने कहा अरे किसी और ने कॉपी कर लिया, समबडी इज इन्फ्रिंजिंग, तो अगर मैं बता रही हूँ कोर्ट को तो मेरे फेवर में होना चाहिए ना कि आई एम प्रूविंग दैट समबडी इज कॉपीड माई आइडिया. बट नहीं, फिर भी जो जितने भी जो भी डिसीजन थे वो जनरली अगेंस्ट में होते थे. सो इन 1820 फॉर इंस्टेंस 75% ऑफ वर्डिक्स वर डिक्लेयर्ड अगेंस्ट, मतलब अगर 100 केसेस गए होंगे तो अगेंस्ट में ही मैक्सिमम डिसीजन थे 75%, थोड़े बहुत फॉर में होंगे. सो प्रपोर्शन ऑफ वर्डिक्स फॉर द पेटेंटी बिगैन टू, थोड़े बहुत सपोर्ट में 1830s के बाद शुरू हुए, जिससे विच सजेस्टेड, इसे लगा लाइक लगा, लाइक जरूरी नहीं कैसा हो, विच जिससे ये लगा कि मे बी जुडिशियल एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है टुवर्ड्स पेटेंट है, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है. बट देन वी आर सेइंग कि नहीं नहीं जुडिशियल एटीट्यूड ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा है राइट, देयर फॉर द रेट ऑफ जो भी है हमें पता चल गया बाद में चेंज नहीं हो रहा है. कैसे चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे जब थोड़े से हमें लगा कि सपोर्ट में हो रहे हैं, नॉट ऑल पेटेंट डिस्प्यूट्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी वो लिटिगेट, पहली बार तो हर कोई किसी ने मेरा आइडिया कॉपी कर लिया तो ऐसा नहीं कि मैं केस कर ही रही हूँ, मुझे पता कोई फायदा नहीं है, मोस्ट चांसेस आर मेरे अगेंस्ट में डिसीजन होगा, मुझे सपोर्ट तो मिलने वाला है, तो लिटिगेट एज इन कोई केस करता ही नहीं था. और जो लोग थोड़े बहुत लोग केस करते थे, दे वर नॉट ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ डिस्प्यूट एज इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूँ, मैंने पॉपुलेशन ऑफ डिस्प्यूट्स में मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जन ने 10 लोगों के आइडियाज कॉपी किए और मैंने किसी को पे, अब 10 लोग मेरे पे केस कर रहे, तो ये 10 केस हो गए, भले वो लोग जीत जाए पर ये एक ही पर्सन के खिलाफ, इज़न्ट इट, तो 10 जितने भी नंबर ऑफ डिस्प्यूट थे वो रैंडम या डिफरेंट सेपरेट नहीं थे, कुछ कॉमनलिटी भी थी, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि नंबर ऑफ केसेस जो सपोर्ट में थे वो इंक्रीज हुए.
Therefore, the rate of verdicts in favor of patentees cannot be used by itself to gauge changes in judicial attitudes or enforceability of patent rights. ओके, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि एटीट्यूड चेंज हुआ कोर्ट का या ऐसा कुछ. वन मोर रीजन, तो एक रीजन तो ये हो गया, बेसिकली वी आर प्रूविंग कि इवन दो सपोर्ट में डिसीजन आए, बट हम कोर्ट का एटीट्यूड चेंज हुआ ये नहीं बोल सकते. एक और रीजन क्यों हम बोल सकते हैं नहीं चेंज हुआ, इफ अर्ली जुडिशियल डिसीजन वर प्रेजुडिस अगेंस्ट पेटेंटी, राइट, अगर पहले के सबसे इनिशियल डिसीजन अगेंस्ट में थे पेटेंटी के, वन माइट एक्सपेक्ट दैट सब्सिक्वेंट कोर्ट्स अलीजिडली मोर सपोर्टिव ऑफ पेटेंट राइट्स वुड रिजेक्ट द फॉर्मर लीगल प्रेसिडेंट. तो जो लोग बाद में, जो अब मॉडर्न जो कोर्ट है, उनको लगेगा नहीं यार अगर ये सपोर्ट में है पेटेंट में समझते हैं तो ये पहले के डिसीजन यूज नहीं करेंगे, राइट, आजकल के. पर ऐसा नहीं है, बट प्री 1830 केसेस जहाँ पे सारी चीजें पेटेंटी के अगेंस्ट होती थी हैव बीन साइटेड, उन केसेस को बाद के डिसीजन में भी यूज किया गया कि उस डिसीजन में ऐसा हुआ तो अभी भी हम लेंगे. और आज भी यही होता है, मीन्स कोर्ट ने अपना जो भी थॉट प्रोसेस है, जैसे वो एंटी पेटेंट थे, राइट, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है फिफ्थ लाइन, वो अभी भी कोर्ट्स हैं, बाद में भी थे आफ्टर 18 और अभी भी हैं. सजेस्टिंग दैट अर्ली डिसीजंस मेनी ऑफ विच क्लियरली डिक्लेयर द पेटेंट राइट्स वर जस्ट अ रिकॉम्पेंस फॉर इन्वेंटिव, मतलब सबको इन्वेंटिव इंजेनिटी मीन्स कि बेसिकली पेटेंट राइट्स उसी के हैं जिसने कुछ, इट्स अ कॉम्पेंसेशन फॉर फाइंडिंग समथिंग न्यू, आपने कुछ नया फाइंड किया है, कुछ नया किया है तो ऑफकोर्स आपके पेटेंट राइट्स हैं उस तरह से. तो प्रोवाइडेड अ लास्टिंग फाउंडेशन फॉर पेटेंट लॉ, तो इस चीज़ की जब वैल्यू हुई कि भाई किसी ने कुछ नया फाइंड किया, उस चीज़ को, उस पर्सन को उस चीज़ का क्रेडिट या वैल्यू मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से एक्चुअली जो भी इम्प्रूवमेंट आया पेटेंट लॉ में या लोग के सपोर्ट में, जो पेटेंटी उसके सपोर्ट में डिसीजन होने लगे, वो इस थॉट प्रोसेस से होने लगे. ओके, सो वी आर सेइंग कोर्ट, कोर्ट ने तो मतलब अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं किया, जैसे पहले डिसीजंस थे प्री 1830, 1830 के बाद भी दे वर साइटिंग द सेम रीजंस एंड टेकिंग डिसीजंस. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लाइक यू नो पेटेंटीज के फेवर में डिसीजंस बढ़ने लगे, राइट, बिकॉज कोर्ट को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं थोड़ी मेहनत करने में, थोड़ा दिमाग लगाने में, या पुराने केसेस को रिजेक्ट करके अपना नया कुछ सोच लगाए, थॉट प्रोसेस लगाए, ऐसा तो था नहीं. सो प्रपोर्शन ऑफ जुडिशियल डिसीजन फेवर ऑफ पेटेंटीज बिगैन टू इंक्रीज ड्यूरिंग 1830s, बिकॉज, क्यों, बिकॉज अ चेंज इन द अंडरलाइंग पॉपुलेशन ऑफ केसेस ब्रॉट, बिकॉज एक तो ये रीजन कि जिस तरह के नंबर ऑफ केसेस, जिस टाइप के केसेस आ रहे थे उस टाइम पे, लोग थोड़ा और स्ट्रांगली ढंग से प्रिपेयर होकर आ रहे थे, ज्यादा ढंग से सबूत लेके आ रहे थे अगेंस्ट द पर्सन हु हैज कॉपीड. पहली बात तो ये, दिस चेंज वॉज पार्टली ड्यू टू एन 18, और ये लोग कैसे लेके आ रहे थे, बिकॉज लॉ, जो पेटेंट लॉ था उसमें भी चेंज आया. इन 1836 देर वॉज अ रिविजन टू द पेटेंट सिस्टम एंड एग्जामिनेशन प्रोसीजर स्टिल इन यूज टूडे वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईच एप्लीकेशन इज स्क्रूटिनाइज फॉर इट्स एडहेरेंस टू पेटेंट लॉ. मतलब पहले किसने निकाला एंड एवरीथिंग, किसने अपना सर्टिफिकेट बनाया, आपको पहले वो एग्जामिनेशन करो, वो सबूत लेके आओ और फिर आप केस करो, तो अकॉर्डिंगली यू कैन विन और लूज. तो बिकॉज ये सिस्टम आया कि आपको एग्जामिनेशन करना है, इस पूरे प्रोसीजर के साथ चलना है कि किसका पेटेंट है किसका नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट ने सीरियसली लिया कि हाँ भाई इस पर्सन का प्रूफ है कि इसका ही पहले पर्सन हैज गॉन थ्रू दिस टेस्ट और एग्जामिनेशन, तो इसलिए इसके फेवर में दे सकते हैं. पहले क्या था, कुछ ऐसा नहीं, किसने पहले निकाला किसने बाद में निकाला कोई फर्क नहीं पड़ता, पेटेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड अपॉन अ पेमेंट ऑफ $30 फी. मतलब पहले 1830 के पहले मैंने कुछ इन्वेंट किया है, आप वो चीज़ लेके गए चुरा के, आपने कोर्ट में बोला ये तो मैंने बनाया है, दीपिका मैम ने नहीं बनाया है, आपने सर्टिफिकेट बना लिया $30 पे करके, अब मैं कुछ भी करता रहा, मैं केस भी करता रहा, कुछ होने नहीं वाला है प्री 1830s. पर अगर मैंने सबूत, अब क्या है कि अगर सबूत के थ्रू या एग्जामिनेशन के थ्रू मैंने कहीं से प्रूव किया, नहीं पहले मैंने बनाया लाइक दैट, सो देन मे बी वी कैन फाइट द केस, राइट. सो बेसिकली कोर्ट के एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, तो लॉ चेंज हुआ, लॉ में एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एक सिस्टम ऐड किया, लोग उस तरह से प्रिपेयर होके आए जब भी केस लड़ने आए, इस वजह से जो फेवर में पेटेंटीज के फेवर में जितने भी डिसीजन थे वो बढ़े, नॉट बिकॉज कोर्ट को या जजेस को या एडवोकेट्स को कोई फर्क पड़ता है, यू नो लाइक दैट. ओके, सो क्विक समरी स्टूडेंट्स, अगेन आप देखो फर्स्ट पोर्शन इज इन येलो पार्ट. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्रेमर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रेमर्स जो लॉ फ्रेम करते हैं, उन्होंने पेटेंट लॉ बनाया था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारे जितने भी लोग इन्वेंशन कर रहे हैं उनको कोई कॉपी करे बाहर का तो वो हमें पैसे दे, तो कंट्री का पैसे आए, बट उससे क्या हो, वो गोल अचीव नहीं हो, क्योंकि उनके जो जजेस थे वो तो एंटी पेटेंट ही थे, वो हमेशा जो पेटेंट ही होता था उसके अगेंस्ट में डिसीजन लेते थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ा, तो हम बोले कि बढ़ा कैसे, क्या उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, सेकंड पैराग्राफ में उनका एटीट्यूड तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वो बाद के जो कोर्ट से टिल टुडे आज, वो आज भी
और तब बाद में भी पहले के डिसीजंस को ही यूज करते थे टू टेक द डिसीजंस. इट्स जस्ट दैट बाद में फेवर में हुआ क्योंकि लोग और बेटर प्रिपेयर्ड हो गए थे. बेटर प्रिपेयर्ड क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि लॉ में चेंज आया कि यू हैव टू गो थ्रू एन एग्जामिनेशन, राइट? और फिर उसके बाद में आपको, आप पेटेंट लॉ के हिसाब से आप चलोगे, उस हिसाब से अगर आपकी चीजें हैं तो आपके फेवर डिसीजन होगा. वरना पहले तो $30 पे करके ही लोग पेटेंट ले लेते, सर्टिफिकेट ले लेते, और उसलिए केस जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. ओके, नाउ दैट वी अंडरस्टूड द पैसेज, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द पैसेज इंप्लाइज, देखो इंप्लाइज मीन्स ऑलवेज इनडायरेक्ट और इन्फरेंस क्वेश्चन, राइट? दैट द स्कॉलर्स मेंशन इन लाइन 8. अब कौन से स्कॉलर्स हैं? यहाँ पे हमको लोकेशन भी गिवन है. रिसेंटली हाउएवर स्कॉलर्स हैव क्वेश्चन वेदर द अमेरिकन सिस्टम हेल्ड अचीव द फ्रेमर्स गोल्स. सो स्कॉलर्स हैव क्वेश्चन वेदर द अमेरिकन सिस्टम हेल्ड अचीव द फ्रेमर्स गोल्स. वुड अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिजम्स ऑफ द अमेरिकन पेटेंट सिस्टम बिफोर 1830. पहले तो क्वेश्चन समझो स्टूडेंट्स. जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑलरेडी विदाउट लिसनिंग टू मी, ऑफकोर्स दे कैन पॉज, सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. मैंने लोकेशन भी दिखा दिया, एंड देन कीप एन आंसर विथ योर सेल्फ, और यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड देन लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन. ठीक है, एज आई सेड दिस इज आइडियली नॉट अ लाइव क्लास राइट नाउ, आई एम रिकॉर्डिंग. सो लाइक यू नो, मैं 2 मिनट ऐसे शांति से बैठूँ, लाइक यू नो इट, और फिर देन यू सॉल्विंग, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. सो मे बी यू कैन पॉज, दैट विल बी बेटर. ओके, रिसेंटली, सो अब हम क्या बोल रहे हैं इधर पे, स्कॉलर्स, रिसेंटली स्कॉलर्स हैव क्वेश्चन वेदर द अमेरिकन सिस्टम हैड अचीव द फ्रेमर्स गोल, राइट? दैट गोल. सो कौन सा गोल था? तो फ्रेमर्स ने ये लाया था राइट्स टू, राइट, वुड एनकरेज, सोचा था कि इट विल एनकरेज द न्यू नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ, कि थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. सो द पैसेज इम्प्लाइज दैट स्कॉलर्स मेंशन इन लाइन 8. सो स्कॉलर्स वुड अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिजम. सो ये जो स्कॉलर्स हैं किस चीज़ से अग्री करेंगे कि अरे नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई नहीं, क्योंकि इनके जो जजेस थे वो तो एंटी पेटेंट थे, इजंट इट? तो क्या ही फायदा हुआ? गवर्नमेंट तो बोल रही है कि पेटेंट दो लोगों को, जिसने इन्वेंटेशन कुछ किया उसको दो, पर जजेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है, करेक्ट? सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? यू कैन जस्ट टेक अ लुक क्विकली स्टूडेंट्स ऑन योर ओन इफ यू वॉन्ट. कैन वी से इट्स डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स? सी, जो प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन वो बहुत ही वेग थी, टू बी यूजफुल, क्लियर नहीं थी, अनक्लियर थी. वी डोंट नो प्रॉपर्टी राइट्स में एग्जैक्टली क्या लिखा था. इज जस्ट दैट राइट्स तो अच्छे इंटेंशन से आए थे, पर जजेस ही एंटी पेटेंट है, जजेस को ही कोई इंटरेस्ट नहीं है सपोर्ट करने का जो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, राइट? बट लॉ क्लियर नहीं था, ऐसा नहीं है. बाद में लॉ थोड़ा चेंज हुआ, लॉ में रिविजन आया, ऐसा नहीं कि लॉ बाद में क्लियर हो गया पहले, तो ये तो हम बोल नहीं रहे. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. इट्स क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट्स वर नॉट क्लियर. अगेन हम ये नहीं बोल सकते, बाद में क्राइटेरिया तब भी क्लियर था, जज ही एंटी पेटेंट थे. इट मेड इट एक्सेसिवली डिफिकल्ट फॉर इन्वेंटर्स टू रिसीव पेटेंट्स. इट वॉज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, बट बेसिकली हम बोल रहे हैं गोल कौन सा, क्या गोल था? गोल था कि इट फेल टू एनकरेज नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, की ठीक है. और ये स्कॉलर्स बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्या वो गोल अचीव हुआ? मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो गोल था वो तो अचीव नहीं हुआ, राइट? इट लेड टू एक्सेसिव नंबर्स ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट्स. वो बाद में, जब बाद में इन्फ्रिंजमेंट सूट्स आए तब भी, लाइक यू नो, बिकॉज उस टाइम पे रूल्स नहीं थे, देवर नॉट विनिंग. बाद में रूल्स रिवाइज हो गए तो देवर विनिंग, राइट? सो बेसिकली गोल वॉज दिस. सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि स्कॉलर्स क्या बोल रहे हैं, आपने रीड कर लिया है, राइट? सो देन बेस्ड ऑन योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, यू हैव टू सी ओके ये लाइन का क्या मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल पैराग्राफ. सो दिस इज हाउ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द पैसेज इंप्लाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रीजन दैट द प्रपोर्शन of verdicts in favor of patentees began to increase in 1830s. So 1830s में क्यों, right? So began, see, in favor of began to increase, right? आपको हमेशा सही location find करना is a task, right? Is a right skill. अगर आपने वो find कर लिया then you have the answer students, right? Then it's not very difficult. What we are saying, because of a change in the underlying population of cases. एक तो change था, this change was due to द पेटेंट सिस्टम एंड एग्जामिनेशन प्रोसीजर स्टिल इन यूज टूडे. जहाँ पे हम देखते थे हर एप्लीकेशन को कि स्क्रूटनाइज फॉर इट्स एडेरेंस टू पेटेंट लॉ, कितनी पेटेंट लॉ के हिसाब से अगर है तो ग्रेट, जो भी एप्लीकेशन क्लोज होगी टू द पेटेंट लॉ वो एप्लीकेशन जीतेगी.
सिंपल। अब ये चीज कहाँ पे लिखी, अगर मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया, मैंने राइट लोकेशन राइट लाइंस रीड कर ली, राइट वो वर्ड्स पिकअप करके, तो देन गेटिंग द आंसर इज वेरी इजी। इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और लोकेट वेयर शुड आई रीड, देन ओनली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सिंस आई हैव रेड, यू कैन रीड द ऑप्शन, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यस राइट। सो पेटेंट एप्लीकेशन अप्रूव्ड आफ्टर 1836 वर मोर लाइकली टू अडियर क्लोजली टू पेटेंट लॉ, राइट। अगर पेटेंट लॉ के हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, राइट। बाकी कोई भी पेटेंट लॉ के बारे में कोई ऑप्शन बोल ही नहीं रहा है, सो दे कैन नेवर बी द करेक्ट आंसर, नॉट एट ऑल। सो इन्फरेंस क्वेश्चन को हमें लगता है कि दे आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल, पर ऐसा है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लोकेशन सही से समझना आता है इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, एंड ऑफकोर्स फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकेशन रैदर देन जस्ट रीडिंग एंड डूइंग अ वर्ड मैच। Now, question number 3 also, students, since we are doing inference questions, you can pause, solve for 2 minutes and then resume to listen to the explanation of the question. It can be inferred from the passage that the frequency with which pre-1830 cases have been cited in court decisions is an indication that. So, hum kahan pe bol rahe hain that pre-1830 cases were cited in court decisions. सो प्री 1830 यहीं पे लिखा है, बाकी सब जगह पे तो 1820 या 1830 ये सब लिखा हुआ है। सो दे वर साइटेड एज फ्रीक्वेंटली एज लेटर डिसीजंस एंड दे कंटिन्यू टू बी साइटेड टुडे। इससे क्या पता चलता है कि जो प्री 1830 केसेस है जहाँ पे पेटेंटीज के खिलाफ अगेंस्ट में डिसीजंस होते थे, राइट, अगेंस्ट जो पेटेंटी के डिसीजंस होते थे वो अब भी साइट होते हैं, उनको अब भी यूज किया जाता है लेटर डिसीजंस में भी, इनफैक्ट आज भी यूज किया जाता है। मतलब जजेस को कोई इंटरेस्ट नहीं, जजेस को वही करना जो उनसे पहले लोग कर पहले जजेस करते आ रहे थे, दे डू नॉट वॉन्ट टू रिन्यू देयर थिंकिंग और डू एनीथिंग। हाँ, रूल चेंज हुआ बाद में, रूल रिवाइज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो करेगा। दिमाग किसी को नहीं लगाना है अपना, जो चल रहा है सब चला, अभी तक चला आ रहा है वही चलाओ, राइट। एवरी वन इज डूइंग दैट बिकॉज आप पुराने डिसीजंस को भी अभी यूज कर रहे हो, राइट, तो उसका क्या मतलब है कि बस आपको जो चल रहा है सिस्टम उसी को चलाना है, यू डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग न्यू, राइट। सो व्हाट वी कैन से हियर दैट जुडिशियल सपोर्ट फॉर पेटेंट राइट्स वाज स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट रियली, इट वाज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। जुडिशियल सपोर्ट फॉर पेटेंट राइट डिड नॉट इंक्रीज, एग्जैक्टली, कोई सपोर्ट इंक्रीज नहीं हुआ, कोई एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। क्लियरली हम बोल रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि इट कैन नॉट बी, हम गेज कर सकते हैं जुडिशियल एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ था, राइट। ये बोलने की बात है, रूल चेंज है, रूल के हिसाब से सबको चलना है, दे आर जस्ट फॉलोइंग द रूल। रूल कुछ और होता तो वो ऐसे कर लेते, उनको नहीं कोई फर्क पड़ता पेटेंटी को अपना हक मिला कि नहीं मिला, यू नो लाइक दैट। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। कोर्ट्स हैव रिटर्न टू जुडिशियल स्टैंडर्ड्स दैट प्रिवेल्ड बिफोर 1830, दे आर नॉट रिटर्न टू एनी स्टैंडर्ड्स, दे आर जस्ट फॉलोइंग द प्रीवियस डिसीजंस, दैट्स ऑल। डिड नॉट इंक्रीज अगेन, फेवर्ड इट डिड इंक्रीज, देखो 1830 के बाद इंक्रीज तो हुए, पर क्यों इंक्रीज हुए उसका क्वेश्चन पूछा गया कि उससे क्या इंडिकेट होता है, क्या हम जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी से हमें क्या पता चल रहा है, एट दैट। जुडिशियल बायस, देर वॉज नो बायस, मजॉरिटी ऑफ द जजेस वर अगेंस्ट द पेटेंट, राइट, उनको पेटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो जनरली अगेंस्ट में ही लेते थे पेटेंटी के, जो पेटेंट होल्डर मतलब जो पर्सन है उसके, and that was the case, right? So B is clearly mentioned, students. Now question number 4, it can be inferred from the passage that the author of and the scholars refer to in line 21. Where is line 21? The proportion of verdict for the patentee began to increase in 1830, suggesting to these scholars that judicial attitudes towards patent rights began shifting then. So it is somewhere here, right, these lines, yes, right. We have to read from here to here. Now, what do we do with this location? So, we are saying the author and scholars disagree about which of the following aspects of the patents defended in patent infringement suits before 1830. पहले तो question समझ लो, पूछा क्या गया है कि जो भी इसमें scholars हैं या author है वो किस चीज से disagree करेंगे। तो यहाँ लिखा क्या है, first of all read it, read these three lines. That 75% against me decisions the, right? The proportion of verdicts for the patentee began to increase in 1830 में increase हुए, जिससे शायद लगा कि attitude change हो रहा है, पर बाद में हम बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई attitude change नहीं हो रहा था, right? They were just doing what, right? They were just going according to the law, that's it, right? That, so
लेट्स रीड द ऑप्शंस वेदर द पेटेंट्स वर ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन दैट आर जेन्युइनली यूजफुल. ऐसा नहीं अगर अच्छा पेटेंट है तो उसको सपोर्ट में, मोस्ट पेटेंट ही के अगेंस्ट में ही थे. वेदर द पेटेंट्स वर एक्चुअली रेलिवेंट टू द ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी, राइट, दिस कुड बी द आंसर, राइट, कि वॉट दे विल डिसअग्री दीज पीपल, बिकॉज किसी को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाया था वो किसी को पड़ी ही नहीं थी, सब एंटी पेटेंट थे, सब उसके खिलाफ ही ले रहे थे. सो मीन्स दे विल नॉट रियली केयर अबाउट इट. वेदर द पेटेंट्स वर पर्टिकुलरली लाइकली टू बी अनअल्ड, बट क्या पेटेंट लॉ जजेस ही हटा रहे थे कि हम नहीं माननी, वो लॉ तो फॉलो कर रहे थे. पहले जो लॉ था कि सिर्फ $30 दे के पेटेंट, तो वो भी फॉलो कर रहे थे. बाद में था कि नहीं नहीं गो थ्रू एन एग्जामिनेशन प्रोसीजर, तो वो भी फॉलो कर रहे थे. दे वर नॉट, इट्स लाइक कोई भी लॉ को वो अनअल्ड एज नहीं माना, रिजेक्ट कर देना कि नहीं इसके हिसाब से नहीं करना है, डिसाइड नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट. वेदर द पेटेंट्स वर रूटीनली इनवैलिडेटेड फॉर रीजंस दैट वर आर्बिट्रेरी, राइट, पॉसिबल, करेक्ट. वेदर द पेटेंट्स वर, आई एक्सप्लेन डी लेटर, एक बार ई भी देख लेते हैं. वेदर द पेटेंट्स वर विंडिकेटेड एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर रेट देन पेटेंट्स इन लेटर सूट्स, एज इन विंडिकेट मतलब फ्री ऑफ चार्ज, क्या पेटेंट्स को बोल देते कि हाँ भाई आपका ही पेटेंट है, नहीं, मोस्टली जो था लोअर रेट नहीं हायर रेट था, इजंट इट, हायर रेट. ज्यादातर 75% लोगों को, आप ये लाइंस पढ़ो, 75% लोगों के अगेंस्ट में डिसीजन लिया, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. नाउ वी आर डाउन टू ऑप्शन बी एंड डी. क्वेश्चन क्या है इस लाइन में, आई विल जस्ट हाईलाइट द लाइन अगेन, दैट द ऑथर एंड स्कॉलर्स रेफर टू इन दीज लाइन्स इन दिस लोकेशन. I disagree about which of the following aspects of the patents defended in patent infringement suits before 1830 की उसमें क्या बाद में तो increase हुए पर पहले क्यों, क्योंकि right, पहले whether the जो patents से routinely invalidated for reasons that were arbitrary as in random reasons से आप कर देते थे, so वो एक problem थी, isn't it? वेदर द पेटेंट्स वर एक्चुअली रेलिवेंट टू द ग्रोथ, ऐसा नहीं था. मोस्ट अगर कुछ है तो एटलीस्ट 50-50 होना चाहिए था, तो इसको हम अभी के लिए एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज इनिशियली दे वर जस्ट रिजेक्टिंग इट बिकॉज ऑफ रैंडम रीजन्स, और उस चीज़ का वो एविडेंस भी दे रहा है कि जहाँ पे भी कोर्ट डिसीजन से इन्फ्रिंजमेंट लॉ पे ला रहे थे, राइट, देखो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट जहाँ पे भी प्रूव कर सकते हो किसी ने इन्फ्रिंज किया मेरे पेटेंट, किसी ने यूज़ किया है मुझसे बिना पूछे, वहाँ पे मेरे अगेंस्ट में डिसीजन आ रहा है, राइट. दैट मीन्स मैं उससे ये प्रूव कर रही हूँ कि कुछ भी रैंडम डिसीजन ले रहे थे, इवन मैं सबूत भी दे रही हूँ फिर भी मेरे अगेंस्ट में डिसीजन है अल्टीमेटली, तो क्या ही फायदा, लाइक दैट. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गेट द करेक्ट आंसर. फिफ्थ, द ऑथर ऑफ द पैसेज साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज एविडेंस चैलेंजिंग द आर्ग्यूमेंट रेफर टू इन लाइन 14-15 इनवैलिडेटेड पेटेंट्स फॉर आर्बिट्रेरी रीजंस. अभी हमने पढ़ा कि जो रैंडम रीजंस की वजह से करते हैं, मतलब जहाँ पे लोग प्रूव भी कर पा रहे थे कि भाई मैंने किसी ने लाइक ना मेरा पेटेंट इन्फ्रिंज किया, यूज़ किया मुझसे बिना पूछे, वहाँ पे भी मेरे अगेंस्ट में डिसीजन आ रहा था. आई कैन, मैं सबूत के साथ प्रूव कर रही हूँ किसी ने कॉपी किया मेरी चीज़, तब भी मेरे अगेंस्ट में है. सो क्वेश्चन इज कि जो ऑथर ये एविडेंस दे रहा है, दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड पार्टली ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्ट, राइट, तो इससे क्या प्रूव होता है, दैट इज वॉट वी हैव टू सी. सो लेट्स रीड द ऑप्शन स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ मिनट, क्योंकि अभी हम चार क्वेश्चन किए हैं तो आपको पैसेज थोड़ा बेटर समझ आ गया होगा. सो आप ये लाइन रीड करो एंड दो मिनट में आंसर बताओ. Okay, let's read. The proportion of cases that were decided against patentees in the 1820s. See, the author of the passage cites which of the following as evidence challenging the arguments referred to in line 14-15. जो 14-15 में argument है कि वो इस चीज को author कैसे evidence दे रहा है कि भाई random reason की वजह से लोग like you know जहाँ पे proof भी कर सकते थे लोग कि ये किसी ने copy किया, infringe किया, break किया लो, तो भी उसके against में decisions आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसने author ने evidence दिया है. So हमें question समझ आ गया है. The proportion of cases that were decided against the patentees in the 1820s. No. बिकॉज वो तो हम बोल रहे हैं मोस्ट है, बट देन ये आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन वॉट, बेस्ड ऑन वॉट.
The total number of patent disputes that were litigated from 1790, no. The fact that later courts drew upon the legal precedents, yes. तो ये था कि पहले तो रैंडम था और बाद में भी जो कोर्ट थे वो पहले वाले केसेस से ही यूज कर रहे थे, जो डिसाइड डिसीजन था पहले वाले केसेस के हिसाब से ही ले रहे थे, जिससे कि क्या प्रूव होता है कि कोई कुछ सोच नहीं रहा था, राइट। उस चीज का एविडेंस ये है कि ना पहले सोच रहे थे ना बाद में सोच रहे थे, एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं था कोर्ट के, जजेस के, राइट। बस जो चल रहा है चलाते रहो। ये तो बाद में लॉ चेंज हुआ, रिविजन हुआ, इसके लिए चीजें बेटर हुई है, नॉट बिकॉज जजेस वर स्मार्टर नाउ और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये हम बोल सकते हैं, द फैक्ट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ जुडिशियल डिसीजन इन फेवर ऑफ पेटेंटीज बिगैन टू इंक्रीज ड्यूरिंग द 1830s, ऑफकोर्स वाई, सी वही सवाल है कि क्यों, राइट, अंडरस्टैंड द लाइन, कि आर्बिट्री रीजन जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका सबूत कहाँ पे दे रहे थे? एक तो उस लाइन में दे रहा है और सेकेंड लाइन में दे रहा है कि रैंडम ही डिसीजन थे हमेशा से, बाद में पहले के डिसीजन को यूज किया जाता था, ये नहीं कि मतलब किसी का एटीट्यूड चेंज हो गया, दैट वॉज नॉट द केस एक्चुअली, करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनल फॉर द 1836 रिविजन फॉर द, राइट, नथिंग लाइक दैट इज मैंशन, दिस इज इररेलीवेंट, इररेलीवेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने तीन चीजें सीखी हैं अभी तक, पांच हमने क्वेश्चंस किए हैं। आई टेल यू, जब भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं अपने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वी विल रीड दिस फन फैक्ट्स लेटर, तो अपने ये करेक्ट आंसर्स थे, राइट, कि आप फिर से रेफर कर सकते हो, या आपके कन्वीनियंस के लिए दिया कि जब भी हम इन्फरेंस क्वेश्चन करते हैं क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा होता है कि यू हैव टू लिटरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नॉट जस्ट रीड इट, यू हैव टू लिटरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, स्पेशली इन स्पेसिफिक इन्फरेंस क्वेश्चन जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है, हमको लोकेशन फाइंड करना, ऐसे तो बहुत आसान है कि हाँ देखो ये वर्ड्स लिखे हैं, बट एग्जाम में इतना कम टाइम होता है, आपने पैसेज एक बार पढ़ा होता है, यू डोंट इवन रिमेंबर व्हाट वाज रिटन वेयर, एटलीस्ट हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सो फाइंडिंग द लोकेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। वंस यू हैव डन दिस, योर ऑलमोस्ट 80% टास्क इज डन, देन ऑप्शन में से आपने जो भी अभी रीड किया है लोकेशन में से, ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करके एटलीस्ट दो ऑप्शन निकालने जो आपने पढ़े नहीं है, या फिर वो उस पैराग्राफ में लिखे हैं, इट इज पार्ट ऑफ सम अदर पैराग्राफ, सो मे बी आउट ऑफ स्कोप, नॉट इवन गिवन इन द पैसेज। वंस यू लेफ्ट विथ फ्यूअर ऑप्शन, लाइक टू ऑप्शन मे बी और थ्री ऑप्शन, You will get a clarity of thinking, right? जो बहुत क्लटर होगा, इतना सारा भी हमने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, दैट विल गो अवे, यू विल हैव लेसर ऑप्शन, यू कैन थिंक क्लियरली, एंड देन फ्रॉम दोज टू ऑप्शन और थ्री ऑप्शन यू विल बी एबल टू सिलेक्ट। इफ यू डाउन टू टू ऑप्शन, या दोनों ही लग रहे हैं, ए चूज करो कि बी चूज करो, लेट्स से, एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है यू एंड अप चूजिंग बी ओनली ऑल द टाइम, इफ दैट्स द केस फॉर एग्जाम्पल, सो वॉट यू हैव टू डू इज अगेन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पूछा क्या है लोकेशन में से, क्या पूछा, किस तरह का आंसर सही होना चाहिए। अब क्योंकि आपने पढ़ लिया है और ऑप्शन भी ऑलरेडी पढ़े, तो सेकेंड टाइम जब आप वापस से क्वेश्चन समझोगे और लोकेशन पे जाओगे, यू विल गेट अ बेटर आइडिया क्या है। तो जस्ट रैंडमली क्लिक मत कर दो क्योंकि मैंने अभी ये रीड किया है, नहीं, मे बी क्वेश्चन हो सकता है द ऑथर इम्प्लाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट एज इन जो नहीं लिखा है वो फाइंड करो, और आपने बी पढ़ा था, कुछ बी जैसा इन्फॉर्मेशन आपने जल्दी से रीड कर लिया। सो वंस यूर ऑलमोस्ट डाउन टू टू ऑप्शन, इफ यू आर कन्फ्यूज प्लीज गो बैक अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वंस अगेन, एंड लोकेशन भी वापस रीड कर लो जो आपने लाइन्स पढ़ी, और थोड़ा सा आंसर रीड करने के पहले, ऑप्शन रीड करने के पहले जो सोच लो कि इस क्वेरी क्वेश्चन क्या मांग रहा है फ्रॉम दैट लोकेशन, वॉट इज इट आस्किंग, राइट, कि इसका इसको इस इन्फॉर्मेशन को चैलेंज कैसे किया गया, इस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कैसे किया गया, इस इन्फॉर्मेशन के एविडेंस कहाँ पे है, इस इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल कहाँ पे है, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कुछ है नहीं सवाल, उस इन्फॉर्मेशन का समथिंग इज आस्क्ड, वो समथिंग क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, फिर थोड़ा प्रेडिक्ट करो, सोचो, एंड देन टिक मार्क द करेक्ट आंसर, राइट। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं, आपको थोड़ा सेकेंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग वाला एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, जो फेस वैल्यू पे चीज़ें उसको वैसे वैसे लेना, एक क्वेश्चन एक बार पढ़ा, कीवर्ड्स पिकअप किए, लोकेशन पढ़ा, जो वहाँ लिखा था वही ऑप्शन लिखा है, टिक मार्क कर दिया, नहीं, वो होता है फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, यहाँ पे अपने सीधा सीधा चीज़ें देखी, सेकेंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग मतलब वो चीज़ को थोड़ा और डीपली समझा, क्वेश्चन को भी लोकेशन को भी दोनों को रिलेट किया कि इस सवाल से इस लोकेशन से मैं कैसे आंसर फाइंड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, एंड देन ओनली यू लुक एट दी ऑप्शंस। Yes, so students stay tuned for general inference questions that will be covered in part 2 which is tomorrow 9:30 PM. I hope इसमें इसकी आपको help मिली होगी, इसके related specific inference related questions, passages I mean, CAT level of course, और उसकी answer की मैं आज group में share करूँगी after the class,
आंसर की एक्सप्लेनेशन भी होगा. सो होपफुली इफ यू गेट समथिंग रॉन्ग यू कैन रीड फ्रॉम द आंसर की, बट इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड एनी एक्सप्लेनेशन और सो यू डोंट अग्री विद द आंसर, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द ग्रुप एंड आई क्लैरिफाई दैट आउट. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी. आई विल सी यू विद जनरल इन्फरेंस कॉन्सेप्ट टुमारो एट 9:30 PM.